पूर्वांचल के किसान अब धान और गेहूं की खेती से हटकर सब्जी की खेती कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक किसान है रामरेश मौर्य। रामरेश मौर्य बीन्स की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मऊ जिले के घोसी तहसील के पकड़ी बुजुर्ग निवासी रामरेश मौर्य बताते हैं कि उन्होंने एक एकड़ में बीन्स की खेती किए हैं। बीन्स बोने में उनका लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है, लेकिन उन्हें 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा भी हो रहा है। ये हमारा बीन्स की खेती है जी। बीन्स खेती में क्या फायदा है? बीन्स की खेती में मतलब यह 4 से 5 महीना फल देने वाली हमारी फसल है और ये ऑर्गेनिक खेती है। कैसे खेती की जाती है? मतलब इसको पहले हम जुताई किए, जुताई करने के बाद गोबर की सड़ी हुई खाद हमने डाला और इसके बाद सागरिका डाला, फिर डाई भी हमने इसमें कुछ पहले मतलब बेसल में दिए हैं, इसके बाद बेड बनवाए, इसके बाद मल्चिंग लगवाए, इसके बाद इसके जो है बीज की प्लांटेशन कर दिए। कितना किए? 1 एकड़ हमारा बीन्स है। कितना खर्च आया? तब 1.5 लाख रुपया इसमें खर्च पूरे कास्ट आज तक आया है। क्या प्रॉफिट निकला? प्रॉफिट हमको 4 से 5 लाख रुपया इसमें बच जाएगा। मिल रहा है प्रॉफिट? हाँ हाँ, प्रॉफिट मतलब हमारी पूंजी भी निकल गई है, मतलब 12 से 14 क्विंटल हम निकाल चुके हैं। अभी हमारी देख रही है मतलब फसल एकदम तैयार है, अभी हम 12 से 14 क्विंटल हमको मिल जाएगी। ये कितने दिन में फसल इसकी मिलने लगती है? 40 से 45 दिन में ये फल आ जाता है जी। ये तीसरी तोड़ाई है। तो कैसे माइंड में आया कि बीन्स की खेती की जाए? ये हमको उद्यान विभाग से जानकारी मिली कि मतलब मौर्य जी आप धान गेहूं की खेती मत करिए, सब्जी की खेती करिए, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने सब्जी का खेती शुरू कर दिया। ड्रिप लगवाए, मल्चिंग का व्यवस्था उन्होंने बताया और बराबर उनके मार्गदर्शन से हमको जानकारी मिलती है उद्यान विभाग से। कौन सी वैरायटी का है ये? हमारा सेमनीज का है और अशोका है, दो वैरायटी है, दोनों बढ़िया है हमारी जी। ये फसल कितने दिन की होती है? यह फसल हमारी 6 महीना तक दे रही है फसल। अक्टूबर में इसको लगाए हैं, नवंबर मतलब से स्टार्टिंग हो गई है, दिसंबर जनवरी मतलब ये चली है। कितनी कटान मतलब निकल जाता है? 3 तोड़ हमको निकल चला है, अभी मान कर चलिए कि 2 से 3 तोड़ हमको और मिलेगी। अच्छा जी। मिट्टी कैसी मतलब तैयार करते हैं? मिट्टी मतलब ये बेड बनाकर ही हम करते हैं। बेड आप खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, मशीन हमारे पास है, ट्रैक्टर से हम बेड बनवाते हैं, मल्चिंग जो है अपना मजदूर लगा कर करा देते हैं। और ये मल्चिंग में रहने से ये हो जाता है कि हमारी खाद इसमें एकदम सुरक्षित रहती है, खर पतवार कम उगते हैं। ये तो फिर पिछले से आ गए, नहीं तो एकदम फ्रेश हमारा बीन्स है। इससे पहले किस खेती करते थे? इसके पहले धान गेहूं की हम खेती करते थे। नहीं, धान गेहूं में हमको उतना नहीं, बीन्स में तो बहुत बढ़िया हमारा जी। क्या कहेंगे अन्य किसानों? अरे हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, बड़े पैमाने पर अगर खेती आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छी मिलेगी। बीन्स मतलब खेती करने लायक? जी जी, बीन्स की खेती करने लायक हमको उद्यान विभाग से 3-4 चीज की खेती मिली, शिमला मिर्च की खेती, बीन्स की खेती और टमाटर की खेती। और इसके बाद जो अभी देखिए उद्यान विभाग मार्गदर्शन से हमको पाली हाउस मिला है, वो बन रहा है, आप देख ही रहे हैं।